माधव, आज तुम्हें आना होगा, मेरे अधिकार के लिए आना होगा। गिरधर, मेरे प्रेम का मान रखने के लिए तुम्हें आना होगा। ये तुम्हारी रुक्मिणी की पुकार है माधव, आना होगा माधव, तुम्हें मेरे लिए आना होगा, तुम्हें आना ही आना ही आना। पुनः कृष्ण के साथ विवाह का स्वप्न देख रही हो, परंतु कृष्ण तो क्या, मैं उसके पुतले के साथ भी तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ आप इस प्रतिमा को नष्ट नहीं कर सकते। चलो यहाँ से। आज से मैं तुम्हारा ऋणी हो गया रुक्मणी। मुझे बिना देखे बिना जाने तुमने मुझ पर विश्वास किया, मुझे प्रेम किया, मुझे अपना सब कुछ मान लिया, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हारे लिए, तुम्हारे अधिकारों के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए मैं स्वयं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं रुक्मणी। भ्राताश्री, भ्राताश्री, हमारा पक्ष तो सुनिए। मुझे तुम्हारा पक्ष जानने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई पक्ष नहीं सुनना है मुझे। किंतु कृष्णा, 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 मुझे तुम्हारा पक्ष सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि तुमने मेरे प्रेम और सम्मान का अनुचित लाभ उठाया और अपने परिवार के हितों और सम्मान की अवहेलना की, इसलिए मैं आज और अभी से तुम्हें अपने पक्ष रखने के अधिकार से वंचित करता हूं। पिताश्री और माताश्री, मैंने रुक्मणी का भविष्य निर्धारित कर दिया है। सुब्रता, से आदेश दीजिए पिताश्री कि शगुन की विधि को शीघ्र पूर्ण करें। रुक्मी, तुम्हारा आचरण अनुचित है और अस्वीकार भी। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, परंतु आप ही ने इसे आवश्यकता से अधिक स्नेह दिया है। यही कारण है कि आज ही हमारे विदर्भ राष्ट्र ही नहीं अपितु हमारे मित्र मगर नरेश जरासंध के शत्रु कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखती है। भ्राताश्री, इसमें पिताश्री का कोई दोष नहीं है। चुप! कौन दोषी है और कौन नहीं कि मुझे तुमसे जानने की आवश्यकता नहीं है रुक्मणी। ये तुम पर पिताश्री का आवश्यकता से अधिक स्नेह ही है कि तुम्हें उस कृष्णा से प्रेम करने में लज्जा भी नहीं आई। और पिताश्री, यदि मैं आपको भी दोषी कह रहा हूं तो उसका भी कारण है, और वो है कृष्ण के प्रति आपकी सद्भावना। और पिताश्री, रुक्मणी का प्रेम विदर्भ राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। राष्ट्र के हित और अहित का ज्ञान है मुझे पुत्र। श्री कृष्ण से मेरी सद्भावना उनकी शत्रुता से अधिक उचित है। और रहा प्रश्न रुक्मिणी का, तो एक स्त्री होने के नाते उसे पूर्ण अधिकार है अपना पति चुनने का। कोई भी अधिकार राष्ट्र हित से बड़ा नहीं होता है पिताश्री, और रुक्मणी का यह अधिकार हमारे और मगध के बीच शत्रुता को जन्म दे सकता है।
रुक्मणी को यदि कृष्ण से प्रेम है तो इसे कहिए पिताश्री कि वो राष्ट्र हित में उसे भूल जाए। इसे कहिए पिताश्री कि कृष्ण की मूर्तियों को तोड़ दे, अन्यथा मैं उन्हें तोड़ दूंगा। नहीं भ्राताश्री, ऐसा मत कीजिए। चुप, तुम रहता। शिशुपाल के यहाँ शगुन भेजने का समय हो गया है। नहीं नहीं भ्राताश्री, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इस विवाह के लिए सहमत नहीं हूँ भ्राताश्री। तुम विवाह कर सकती हो या नहीं मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है रुक्मणी। तुम्हारा विवाह मेरे मित्र चेदी नरेश शिशुपाल से होने जा रहा है। श्री, 3 दिवस पश्चात रुक्मणी का विवाह है। आप लोग बाकी सारे कार्य छोड़ विवाह की तैयारियों में लग जाइए। और हाँ पिताश्री, शिशुपाल केवल मेरा मित्र ही नहीं अभी तो शक्तिशाली चेदी राज्य का नरेश भी है और उसके संबंध मगध सम्राट जरासंध से भी है। और इन दोनों राज्यों के मिलते ही हमारे विदर्भ की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी पिताश्री कि हस्तिनापुर जैसे बड़े राज्य भी हमसे शत्रुता का स्वप्न नहीं देख पाएंगे। शैव, जीवन का सत्य यही है, जब लक्ष्य दूर हो और समय कम तो विश्राम का कोई स्थान नहीं होता। सुग्रीव, आज हमारा लक्ष्य ही कुछ ऐसा है कि उसे प्राप्त करने के लिए तुम सभी को अपनी गति बनाए रखनी होगी। मेघ पुष्प मार्ग कठिन होगा, दौड़ते समय अपना ध्यान रखना। और बालहत, यदि मैं चाबुक चलाता हूं तो उसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें कष्ट देना चाहता हूं, उसका अर्थ केवल इतना है कि मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं कि हमें बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। हेरो गाना। दाऊ, आप? हाँ मैं। शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालहक जैसे श्रेष्ठ अश्व एक ही रथ। कहाँ जा रहे हो गाना? दाऊ, आप तो जानते हैं ये अश्व मुझे कितने प्रिय हैं। तुम्हारे अश्वों के विषय में तो सभी जानते हैं कान्हा, किंतु मेरा प्रश्न यह है कि तुम जा कहाँ रहे हो? कुछ समय के लिए द्वारका से बाहर जा रहा हूँ। परंतु ये नहीं बताया कि तुम कहाँ और क्यों जा रहे हो। दाऊ, हाँ क्यों, आपको जानने की क्या आवश्यकता है, मैं हूँ ना। दाऊ हूँ तुम्हारा, तुम्हारा अग्रज हूँ, तुम्हारे विषय में चिंता करना मेरा अधिकार भी है और उत्तरदायित्व भी। इससे बड़ी बात यह है कि मुझे भली भांति ज्ञात इस चिंता का कारण क्या है। दाऊ, ये पत्र आपके मेरे पास। संभावना तो कम है किंतु संभव है। तुमसे भूल हो गई कान्हा, तुम इस पत्र को झूले के निकट ही छोड़ा है। पत्र को देखकर यह प्रतीत होता है कि किसी कन्या का पत्र है जो तुमसे अत्यंत प्रेम भी करती है। इसी ने तुम्हें बुलाया है ना, जिसके लिए तुम विश्व के सबसे तेज गति से दौड़ने वाले अश्व और रथ एक साथ लेकर जा रहे हो, क्यों कान्हा? जी दाऊ, आप सत्य कह रहे हैं, उसका प्रेम ही कुछ ऐसा है। केवल प्रेम का नहीं है कान्हा, अभी तो यह है कि तुम अब केवल वासुदेव कृष्ण नहीं हो, द्वारकाधीश हो, द्वारका के अधिपति हो, और एक कन्या तुमसे विवाह करना चाहती है। तो इसमें बाधा क्या है दाऊ? बाधा तुम्हारे राजा होने का उत्तरदायित्व है कान्हा।
और एक राजा के जीवन में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता, ना प्रेम और ना विवाह। किंतु क्यों दाऊ? क्योंकि एक राजा का विवाह राज्य के हित के लिए होता है काना। जब वो किसी अन्य राष्ट्र की राजकुमारी से विवाह करता है तो एक राजा का लक्ष्य दोनों राष्ट्रों के मध्य मित्रता का संबंध स्थापित करना और अपने राज्य को लाभ देना होता है काना। और इस कन्या से तुम्हारा विवाह द्वारका के हित के विरुद्ध जा सकता है काना। और कुछ कहना चाहेंगे दाऊ? द्वारका पर संकट भी आ सकता है। इतने समय के पश्चात यदुवंशों को शांतिपूर्वक जीने का एक अवसर मिला है काना। इस कन्या से तुम्हारा प्रेम उन्हें संकट में डाल सकता है। दाऊ कोई संकट नहीं आएगा। संकट कैसे नहीं आएगा काना? ये कोई साधारण कन्या नहीं, विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की पुत्री है। उसका भ्राता रुक्मी तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ शत्रु है, जो किसी भी स्थिति में इस विवाह को स्वीकार नहीं करेगा। अपितु यही नहीं काना, शिशुपाल जैसा दूसरा शत्रु भी, जिससे वो इस कन्या रुक्मणी का विवाह करना चाहता है। दाऊ आपका चिंता करना स्वाभाविक है, किंतु एक प्रश्न है, उत्तर देंगे। पूछो काना। दाऊ एक साम्राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तुम्हारे इस प्रश्न का तात्पर्य क्या है काना? चलिए मैं ही उत्तर देता हूं। एक साम्राज्य का उद्देश्य होता है व्यक्ति का जीवन, और जीवन में सबसे श्रेष्ठ प्रेम है दाऊ, ये तो आप भी जानते हैं। परंतु दाऊ रुक्मणी ने प्रेम के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यदि आज मैं नहीं गया तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, और क्योंकि उसने प्रेम मुझसे किया है तो उसके जीवन की रक्षा करना, उसके प्रेम की रक्षा करना मेरा धर्म भी है और मेरा कर्तव्य भी दाऊ। बचपन से आज तक तुम यही तो करते आए हो काना, अपने तर्क वितर्कों में मुझे उलझा करना। मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ते। आज्ञा दीजिए दाऊ। जाओ काना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव बना रहेगा। हे केशव, देवी रुक्मिणी आपको अपने विवाह की सूचना पहले ही दे चुकी थी। यदि आप चाहते तो यदुवंशियों की पूरी सेना लेकर उनके समक्ष खड़े हो सकते थे। यदि आप अकेले भी चले जाते तो वहां किसी में भी आपको रोकने का सामर्थ्य नहीं था। फिर भी आपको भेष बदलकर एक स्त्री के रूप में वहां जाने की क्या आवश्यकता थी माधव? पार्थ में कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करता। पार्थ, स्त्री का स्वभाव भावुक होता है, यही उनकी शक्ति भी है, और दुर्बलता का कारण भावुकता उचित है, किंतु यह भटकाती भी है और जीवन में कठिनाइयों का कारण भी बनती है। माधव, मैं इस रहस्य को आपसे विस्तार में जानना चाहता हूं। पार्थ, जो पत्र रुक्मिणी ने मुझे लिखा था उसमें भावनाओं का आवेग बहुत अधिक था। सच्चे प्रेम और भावनाओं के आवेग में अंतर होता है। यह आवश्यक नहीं कि जिनके लिए आपके मन में भावुकता हो उनके लिए आपके मन में प्रेम भी हो। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के रूप से आकर्षित होना स्वाभाविक है, किंतु उस आकर्षण वो प्रेम मान लेते हैं। भावनाओं के आवेग में किया गया विवाह दुख और संबंध विच्छेद का कारण होता है। इसीलिए पार्थ, मेरे लिए जानना आवश्यक था कि रुक्मिणी के मन मेरे लिए केवल भावनाओं का आवेग है या सच्चा प्रेम जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। इसीलिए मैं उनके पास एक स्त्री के रूप में गया ताकि मैं उनके प्रेम को परख सकूं। भाभी सुब्रता, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरे मन में आपके प्रति सम्मान है और मैं आपकी कोई अवज्ञा नहीं करना चाहती, किंतु मेरा विवाह शिशुपाल के साथ असंभव है। मेरी इसमें कोई सहमति नहीं है भाभी, इसीलिए मैं किसी भी विवाह संस्कार के लिए तैयार नहीं हूँ। और यदि मेरा विवाह होगा तो केवल द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण के साथ होगा। रुक्मिणी, मैं तुम्हारी भाभी अवश्य हूँ, किंतु मैंने सदैव तुम्हें अपनी सखी और बहन की तरह ही माना है।
मुझे तुम्हारी भावनाओं का ज्ञान है, किंतु अभी उचित यही होगा कि तुम हल्दी संस्कार के लिए उपस्थित हो जाओ। मेरे कृष्ण पीताम्बर धारी भी कहलाते हैं भाभी, और जिसका मन कृष्ण के रंग में रंग चुका है, उसके शरीर पे किसी अन्य के नाम का पीतरंग कैसे चढ़ सकता है भाभी? इस परिवर्तित होते युग की यही विडंबना है। एक स्त्री का ना तो खुद के शरीर पे अधिकार होता है और ना ही मन पर। उसके मन में भले ही कोई भी हो, किंतु अपने परिवार के सम्मान और उसके हित के लिए उसे भूलना ही पड़ता है। तुम्हारा भी यही सत्य है, इसलिए कहती हूँ इसे स्वीकार लो। नहीं भाभी, ये धर्म विरुद्ध है। एक स्त्री का अधिकार है कि वो उसी से विवाह करे जिससे वो प्रेम करती है। तुम जो कह रही हो वो एक आदर्श स्थिति है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता यही है कि तुम्हारी श्री कृष्ण से विवाह होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाभी? क्योंकि तुम्हारे भ्रातृश्री तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर शिशुपाल के पास जा चुके हैं, और संभव है कि उन्होंने उसका तिलक भी कर दिया होगा। माधव, आइए युवराज शिशुपाल। हे चेदी नरेश शिशुपाल, मैं विदर्भ नरेश भीष्मक का पुत्र युवराज रुक्मिणी आपको अपनी बहन रुक्मिणी के साथ विवाह का वचन देता हूं। रुक्मिणी, तुमने शिशुपाल के साथ अपनी बहन रुक्मिणी के विवाह की अनुमति तो दे दी है, परंतु धर्म अनुसार इस विवाह के लिए तुम्हारी बहन की अनुमति आवश्यक है। हे पौंडरिक नरेश, और भगवान विष्णु के वास्तविक अवतार वासुदेव पौंडरिक जब यहां उपस्थित हैं तो सभी कार्य धर्म के अनुसार ही होंगे। ये देखिए, ये रहा मेरी बहन का अनुमति पत्र, और इसमें लिखा है कि वो इस विवाह के लिए सहर्ष प्रस्तुत है। विवाह का शुभ मुहूर्त निकालिए पुरोहित जी। ज्योतिष गणना के अनुसार इस द्वितीय का दिन शुभ है, विवाह के लिए अति उत्तम है महाराज। तुम सौभाग्यशाली हो शिशुपाल कि मैं स्वयं रुक्मिणी के साथ तुम्हारे इस विवाह का साक्षी बनूंगा। रुक्मी, मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता है कि तुम्हारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है, जो कि चेदी, विदर्भ और बॉन्ड तीन राष्ट्रों की मित्रता का टूट कारण बनेगा। हे शिशुपाल, अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरी बहन से विवाह के लिए पूरी बारात के साथ विदर्भ पधारें। मैं और पूरा विदर्भ राज्य आपकी प्रतीक्षा करेगा। अब आज्ञा दीजिए। रुक्मी, मैं तुम्हारी बहन रुक्मिणी के साथ अपने विवाह को लेकर प्रसन्न तो हूं, परंतु मेरे मन में एक शंका है। शंका कैसी मित्र? सुनने में आया है कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी उस वासुदेव कृष्ण के प्रेम में पागल है। यह अर्ध सत्य है मित्र। सत्य तो यह है कि रुक्मिणी का वासुदेव कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो कोई प्रेम है ही नहीं, वो तो केवल युवावस्था का आसक्ति मात्र है, और जिस प्रेम को वो तुम जैसा बलशाली पति पाकर भूल जाएगी। अपना बल मैं उस वासुदेव कृष्ण को तो दिखाऊंगा ही, मुझे केवल उस पल की प्रतीक्षा है जब मैं उस वासुदेव कृष्ण को अपने हाथों से मिटा के रख दूंगा। विवाह संस्कार विवाहों के लिए होते हैं भाभी, संस्कारों के लिए विवाह नहीं होते। और जिस दिन ऐसा होने लगा ना भाभी, उस दिन विवाह केवल संस्कारों का एक ढोंग बनकर रह जाएगा। और रहा प्रश्न मेरे विवाह का, मेरा शरीर मिट सकता है भाभी, किंतु मेरे मन से
कृष्णा के प्रति प्रेम नहीं मिट सकता। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करती हूँ, किंतु श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा विवाह तभी संभव है जब वो स्वयं तुम्हारे लिए यहाँ आए, और वास्तविकता में उनका यहाँ आना संभव नहीं है। मुझे अपने प्रेम पे पूरा विश्वास है भाभी, मेरे श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, उन्हें आना ही होगा। संसार की कोई शक्ति उनका मार्ग नहीं रोक सकती।